हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अस्किन्स BMSW एप्लीकेशन के बारे में। इसकी मदद से आप फ्री फायर पबजी में आप आसानी से किसी भी इमेट्स, बंडल्स और वेपन्स कार को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ऐप को आप कैसे यूज करेंगे, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप एक छोटा सा प्यारा सा काम करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का छोटा सा प्यारा सा बटन देखने को मिल रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे होगा कि हमारी जितनी भी सारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपको मिलेगा और आप किसी भी न्यू ऐप के बारे में सबसे पहले जान पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आते हैं वापस से टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर ये ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अस्किन्स, एक्स सूट्स, कार अस्किन्स, गन्स अस्किन्स आपको देखने को मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ गन्स अस्किन को यहाँ पर ओपन का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के वेपन्स आ चुके हैं। अब हम जिसको भी अपना फ्री फायर या फिर पबजी आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहें उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर M4 ग्लेशियर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डन का बटन आ चुका है, हम इसे डन करेंगे। डन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ये वापस से हमें होम स्क्रीन पर ही रिडायरेक्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चलो यहाँ पर मैंने डन कर दिया तो हमारे फ्री फायर या फिर पबजी आईडी में ये वेपन्स ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपकी फ्री फायर आईडी नहीं ली गई और ना ही आपकी पबजी आईडी ली गई। तो यहाँ पर आप एक बात बताइए कि आपके आईडी पर कैसे ये सब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं कि चलो हम फ्री में स्किन्स, वेपन्स, कार्स को हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो सेम जैसा मेरे साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के सबके साथ ही हो रहा है, और यहाँ पर वेपन्स वगैरह ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचेंगे कि इसको 4.4 की रेटिंग कैसे मिल गई आखिरकार, जबकि यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं फिर भी। तो चलिए मैं बतलाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए एक बंदा है, यहाँ पर क्या लिखा है, आई डोंट लाइक इट, यानी कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 5 स्टार की रेटिंग दे दी है। यहाँ पर लिखा है जहीर खान ने, दिस इज बैड, यानी कि ये ख़राब है, फिर भी 5 स्टार की रेटिंग दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेक ऐप है, 5 स्टार की रेटिंग दिए हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको हेट कमेंट किए हैं लेकिन 5 स्टार की रेटिंग दे दिए हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 5 स्टार या फिर 1 स्टार की रेटिंग क्या होती है, जिसके वजह से इसके 4.4 की रेटिंग बढ़ती चली गई है। लेकिन अगर आप इसके पढ़ेंगे अच्छे से रिव्यू को तो आपको समझ में आएगा कि यह एप्लीकेशन फेक है और यहाँ से कोई भी आप वेपन्स, स्किन्स, बंडल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। हम आपको चाहते तो पहले भी बता देते, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब तक उनको लाइव प्रूफ करके ना दिखाओ तब तक उन लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन को ओपन करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बताई। बाकी वीडियो पसंद आई होप कि आप लोगों को आ गई होगी, समझ में भी आ गई होगी, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे और भी बेहतरीन बेहतरीन न्यू एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।